ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। सबकी नैया लगाते किनारे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे, सारी दुनिया इन्हीं के सहारे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे। सबकी नैया लगाते किनारे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे, सारी दुनिया इन्हीं के सहारे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे। धरती गगन आग पानी पवन से ब्रह्मा जगत को बचाते, विष्णु करे सबका पालन जगत में शिव भोलेनाथ कहते, शिव भोलेनाथ कहते। एक रचे पाले एक एक संहारे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे। सबकी नैया लगाते किनारे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे। सागर की लहरों को बादल बनाए, बादल को जल की धारा, दिन में ये तारे को सूरज बनाते, रातों में सूरज को तारा, रातों में सूरज को तारा। इनके कर्तव्य हैं सबसे न्यारे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे। सबकी नैया लगाते किनारे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे। यही पवन बन के देते हैं जीवन, जल बन के प्यास बुझाते, बन के यही अन्न धरती से उपजे हम सबकी भूख मिटाते, हम सबकी भूख मिटाते। सारे जग के हैं पालन हारे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे। सबकी नैया लगाते किनारे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे, सारी दुनिया इन्हीं के सहारे ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे। सबकी नैया लगाते किनारे ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चामुण्डायै विच्चै ओं नमः चण्डिकायै स्वाहा। शुक्राचार्य आगे खोलो शुक्राचार्य।
जय माता चंडी के। दानवपति हूँ, आगे खोलो। जय हो माँ जगदम्बे। माता, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपके चरण कमलों से दानव भूमि पवित्र हो गई। दानवराज, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? अपने शत्रु देवताओं पर विजय, चारों तरफ मेरी जय जयकार। तथास्तु। दानवपति हूं, आज वो घड़ी आ गई है जिसकी मुझे बरसों से प्रतीक्षा थी। बस अब तुम देवलोक पर आक्रमण कर दो और देवताओं को परास्त कर उन्हें करकट का भिखारी बना दो। भिखारी नहीं, संसार से उनका नाम ही मिटा दिया जाएगा। बहुत शीघ्र देवताओं के गुरु बृहस्पति के सिंहासन पर गुरु शुक्राचार्य होंगे और देवराज इंद्र के सिंहासन पर दानवपति हूं होंगे। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय।
देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर सबके सब इस दशा में कहां चले जा रहे हो? न सिर पे मुकुट, पांव भी नंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे। ठीक है देवर्षि, विपत्ति में सभी हंसी उड़ाते तो क्या मैं भी हंसी उड़ा रहा? बात करो तब भी बुरा और कुछ ना करो तब भी। क्षमा कीजिए मुनिवर, क्षमा कीजिए, आप नहीं जानते दारुपति हूं ने माता चंडी से वरदान पाकर हमें हरा दिया, आज हम कहीं के न रहे। चलो ये भी अच्छा हुआ, राजपाट घर द्वार कहीं की चिंता नहीं रही, अब मेरी तरह साधु बनकर हरि भजन करो नारायण नाम। वो भी करेंगे नारद जी, किंतु हुंड का नाश कैसे होगा, कृपा करके बताइए मुनिवर। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों महान देवता मिलकर एक स्वरूप धारण करेंगे तब उस महान स्वरूप की कृपा से हुंड का नाश होगा। तीनों देवता एक रूप में कैसे होंगे, इसका उपाय? इसका उपाय इस तंबूरे वाले के पास नहीं, हमारे पास है। दानव, डाल दो इन्हें बंदीगृह में, जहां अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को याद कर रात दिन आंसू बहाते रहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की याद आंसुओं के तूफान में भी सबके दिए जलाती है, उनकी लीला ब्रह्मपात, उनकी लीला नहीं हमारी लीला ब्रह्मपात। पकड़े तंबूरे वाले को। पति कुष्ठ रोग की आग में चले जा रहे हैं, बड़ी आस लेकर आपके पास आई हूँ, मेरे स्वामी को अच्छा कर दीजिए महादेवी, अच्छा कर दीजिए। चिंता न करो बहन, मेरे पति परमेश्वर और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से हमारे पति अवश्य अच्छे हो जाएंगे। आओ बहना। जाने अनजाने जिस अपराध के कारण इन्हें इतना दुख भुगतना पड़ रहा है उसे क्षमा करके इन्हें नवजीवन दीजिए। जय ब्रह्मा विष्णु महेश, जय ब्रह्मा विष्णु महेश, जय ब्रह्मा विष्णु महेश, जय ब्रह्मा विष्णु महेश। जय ब्रह्मा विष्णु महेश, जय ब्रह्मा विष्णु महेश, जय ब्रह्मा विष्णु महेश। ये कैसा चमत्कार, मैं अच्छा हो गया हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल निरोगी हूँ। माता माता धन्य हो, महासती धन्य हो। बोलो माता अनसुईया की जय। नहीं, बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। जय नारायण नारायण। आज पृथ्वी लोक में ही नहीं समस्त लोकों में समस्त दिशाओं में महासती अनसुईया के नाम की जय जयकार हो रही है। हर रोज आपके पति व धर्म की जो जगमगा रही है आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। बस बस देवर्षि, मुझे और लज्जित न कीजिए, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, ये सब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा का फल है। प्रभु चाहे
तो पल भर में राई को पर्वत और पर्वत को राई कर सकते हैं। राई को पर्वत, पर्वत को राई। ओ नारायण नारायण नारायण। बहन पार्वती, लक्ष्मी, भोलेनाथ और लक्ष्मीनाथ कहाँ रह गए? ब्रह्मा जी के पास। नारायण नारायण। हाँ हाँ हाँ, आज कौन से पुण्य का उदय हुआ है? गंगा, जमुना, सरस्वती की तथा तीनों महादेवियाँ एक साथ। क्यों देवर्षि, हमें साथ साथ देखकर तुम्हें दुख हुआ है? माताओं के दर्शन से तो दुख दूर होता है, और उस पर सती के दर्शन, सती की लीला अनंत है, अपार है। सती के चरणों में सत्य है, धर्म है, सारे तीर्थों का निवास है। जीते रहो बेटा। देखा लक्ष्मी पार्वती, आज मेरा नारद हमारे कैसे गुण गा रहा। धन्य हो नारद, तुम्हारी असली आत्मा को आज मैंने देखा। अब पता चला कि तुम भगवान नारायण के ही नहीं मेरे भी गुण गाते हो। नारायण नारायण। आओ आओ। अरे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ लो बेटा, लड्डू खाओ खाओ लड्डू खाओ। अरे लो मीठा है, खाओ ना। लो खा लो, बहुत मीठा फल है, खा लो खा लो ना। बेटा ये लड्डू मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, खा लो। हाँ खा लो। बस नाक तक पेट भर गया। अच्छा बेटा अब बताओ हमारे सतीत्व में और क्या क्या गुण है। हाँ, हाँ, बेटा बताओ बताओ ना। नारायण नारायण। क्षमा कर रहा हूँ माताओं, मैं आपके सतीत्व के गुण नहीं गा रहा था। क्या क्या कहा, और किसके गा रहा था? सती अनुसुईया। मैं तो कहते तंबूरे वाले के मुंह में कुछ और मन में कुछ। इतना बड़ा धोखा, हाय हाय मेरे कितने फल डकार गया। नारायण नारायण। हाय हमारा माता माता के काम निकाले हमसे और गुण गाए धरती के उस साधारण स्त्री अनुसुईया के। माता जी आपको बुरा लगे या भला, परंतु सती अनुसुईया जैसी पतिव्रता स्त्री 14 लोकों में नहीं है। बोलो सती अनुसुईया की, सती अनुसुईया की, बोलो सती अनुसुईया की। प्रणाम पिताजी, भगवंत प्रणाम, भोलेनाथ। क्यों जी, बड़े आनंद से सती अनुसुईया की जय जयकार हो रही है। सचमुच सती अनुसुईया इस योग्य है, महान को महान कहना ही चाहिए। ये झूठ है, वो हमसे महान नहीं हो सकती। नारद ने उसे हम सबको लेकर चुनौती दी है। हम भी देखना चाहते हैं कि उसके सतीत्व में कितनी शक्ति है। स्वामी आपको अभी पृथ्वी पर जाकर उसके पतिव्रत धर्म को डिगाना होगा। लक्ष्मी ये क्या कह रही हो? बहन लक्ष्मी ने ठीक कहा है, हम तीनों का यही निश्चय है। ये निश्चय नहीं हट है, उस महासती से टकराना अच्छा नहीं होगा। देवियों इसका परिणाम? परिणाम? परिणाम तो हमारे हाथ में है। आप जाइए, छल से बल से किसी भी तरह उसका सतीत्व भंग कीजिए। आपको हमारी सौगंध। चलिए ब्रह्मदेव, भोलेनाथ अब तो देवियों की सौगंध का पालन करना ही होगा। राज हट, योगी हट, स्त्री हट। चलिए नारायण 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 नारायण। दीक्षांते दीक्षांते आप जैसे महान संत पुरुषों के दर्शन हो गए। लीजिए। ठहरो देवी, हम इस तरह की भिक्षा स्वीकार नहीं करेंगे। तो किस तरह की भिक्षा स्वीकार करेंगे? पहले तुम्हें पात्रदान की विधि पूरी करनी होगी। वो किस तरह महाराज? तुम्हें वस्त्रहीन होकर हमें भिक्षा देनी होगी। सन्यासी, ये तुमने क्या मांगा? जिसने कभी फूल से भी पर पुरुष का ध्यान नहीं किया उससे इस तरह की मांग? नहीं नहीं नहीं। क्यों देवी, भिक्षा देने से पहले ही पांव डगमगा गए? यही है तुम्हारा अतिथि सत्कार?
यही है भारत की आर्य नारी का धर्म। स्वामी, 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 नाथ, ये कैसी परीक्षा, कैसी परीक्षा? देवी, हमें भिक्षा देती हो या नहीं? उत्तर दो, उत्तर दो देवी। मैं क्या करूं? इस कठोर परीक्षा के आंधी में मेरे पवित्र धर्म की नाव डगमगा रही है। आपके होते हुए क्या ये डूब जाएगी? बताइए, बताइए प्रभु, कौन है ये सन्यासी? देवी, तुमने भिक्षा न देकर सन्यासियों का अपमान किया है। याद रखो, हम तुम्हारे द्वार से नहीं, महर्षि अत्रि के द्वार से निराश होकर वापस जा रहे हैं। हे भगवान, आप निराश नहीं लौट सकते। मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। पधारिए। मेरे निर्वस्त्र होने से पहले आप लोग क्षण भर के लिए अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नारायण नारायण, लेने के देने पड़ गए। अनसुईया देवी। स्वामी, आप आ गए पत्रिकाश्रम से? परंतु ये बच्चे किसके हैं? हमारे। हमारे? हाँ, आप पिता, मैं माँ। क्या कह रही हो देवी? हाँ स्वामी, वर्षों से जिन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की हमने आराधना की, वही दयालु हमारी इस कुटिया में खेलने के लिए इस रूप में आए हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम, संसार को झूले की तरह झुलाने वाले आज हमारे हाथों से झूला झूल रहे हैं। जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो। लक्ष्मी बहन, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। स्वामी अनुसुईया के पास गए तो गए, मैं भी तो इसी चिंता में दिन रात पड़ी रहती हूँ। मेरा तो मन घबरा रहा है, अवश्य कोई बात हुई है, परंतु इस बात का पता लगाए मैं तो कैसे? और उस नारद का भी तो पता नहीं। हाँ। नारायण नारायण। नारद जी। क्यों नारद, बेटे होकर तुम भी माँ से मुंह छुपाने लगी? स्वामी की तरह तुमने भी आंखें बदल ली? माता जी, संसार ही रंग बदलता रहता है। ऐसा कहकर हमें और दुखी न करो, पति के बिना हम पहले से ही दुखी हैं। जाओ, उन्हें किसी भी तरह वापस ले आओ। मैं? हाँ, सती अनुसुईया के पास जाने का साहस हमें नहीं होता। तो फिर विश्राम कीजिए। आनंद कंद भगवान तो सती के प्रेम बंधन में बंधे हुए आनंद ले रहे हैं। नारायण नारायण नारायण। इस तंबूरे वाले ने तो फंसा दिया। पार्वती, उस पर बिगड़ने से कोई लाभ नहीं। चलो बहन, अब तो सती अनुसुईया के पास जाना ही पड़ेगा। चलो। Thank you.
अरे बच्चों, रोया नहीं करती, आए बड़े प्यारे। अरे छोड़ मेरा आंचल, मैंने तो सुना था देवी अनुसुईया की कोई संतान नहीं। आश्चर्य न करो देवी, अनुसुईया को एक ही नहीं तीन तीन संतानों की मां बनने का सौभाग्य मिला है। आप अनुसुईया कौन है ये देवियां? हमारी लाडली बहुएं हैं, ब्रह्मानी, लक्ष्मी और पार्वती। स्वामी, पुत्रों के साथ बहुएं तो होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, किंतु बहुएं पहली बार घर में आई हैं, इन्हें कुछ खिलाओगी पिलाओगी या नहीं? आओ बहू। जी नहीं, पहले हमें उनसे मिला दीजिए। बताइए ना, कहाँ है हमारे स्वामी? वो क्या रहे पालने में? बताइए ना माता जी, सोच क्या रही हो? यही तो है। ब्रह्मानी, वो है तुम्हारे ब्रह्मदेव। पार्वती, तुम भी भूल गई, ये है तुम्हारे महेश। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये है तुम्हारे विष्णु। मातेश्वरी, आप सचमुच महासती हैं। अभिमान के कारण ही हमें ये दिन देखना पड़ा। हमें क्षमा कर, फिर से हमारे पतियों को अपने असली रूप में ला दीजिए। अब बहुओं का मन रख लो देवी। अपने वास्तविक रूप में दर्शन दीजिए। तुम यहाँ? पार्वती, तुम भी? हाँ स्वामी, हमें हमारी भूल का फल मिल गया। अब चलिए कैलाश। आप ही चलिए नाथ, खीर सागर आपके बिना सूना पड़ा है। इन्हें यहाँ से ले जाओगे तो ये आश्रम सदा के लिए सूना हो जाएगा। इन्हें पाकर मैंने माँ की ममता, स्नेह, दुलार सब कुछ पाया था। इनके होने से आश्रमवासी ही नहीं, यहाँ के पशु पक्षी सब आनंद के मारे भूले नहीं समाते थे। पुत्र प्रेम की गंगा बहाकर क्या इसे सदा के लिए सुखाकर यहाँ से चले जाओगे? हम अपनी माता का ऋण चुकाए बिना कभी वापस नहीं जाएंगे, किंतु आज से हम तीनों के अंश एक ही रूप में समाकर हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। अनुसुया की सुन बिने हो कर एकाकार, ब्रह्मा विष्णु महेश ने लिया दत्त अवतार। आज से हमारा ये रूप संसार में महर्षि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्ध होगा। नारायण नारायण, जय भगवान दत्तात्रेय। आपकी लीला अपरंपार है, आपकी माया को कौन पहुंच सकता है? आप दानों का नाश और जगत का कल्याण हो कर ही रहे। सती नैया लगाते किनारे,
शक्ति भक्ति तुम ही हो आनंद दाता, तुम ही हो आनंद दाता। हो के निर्गुण सगुण रूप धारे, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे। सबके नैया लगाते किनारे, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे। राजा हो या रंक हो तुम सभी को अपने हृदय से लगाते, सत्यम शिवम सुंदरम तुम ही भगवन, बिगड़ी सभी की बनाते, बिगड़ी सभी की बनाते। तुम ही जीवन के हो उदियारे, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे। सबकी नैया लगाते किनारे, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे। बधाई हो महाराज, बधाई। बोलो महामंत्री, शीघ्र बोलो। महाराज, भगवान दत्तात्रेय की कृपा से कांचनपुरी प्रजा आज धन्य हुई, महल में सुंदर बालक ने जन्म लिया। जय भगवान दत्तात्रेय की जय हो। कांचनपुरी के महाराज आयु के यहाँ तुम्हारे काल नहुष का जन्म हुआ है। यदि तुम अमर रहना चाहते हो तो इसी समय जाकर उस बालक को समाप्त कर दो। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। झन झन के पायल मन में रंग घोले रे, झन 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 के पायल मन में रंग घोले रे। बाज मृदंग संग संग, बाज मृदंग, बाज मृदंग संग संग, अंग अंग डोले रे। झन 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 के पायल मन में रंग घोले रे, मन में रंग घोले। मत बिंदिया नैनो में कच कानों में है बालिया, बिंदिया नैनो में कच कानों में है बालिया। गोरी ऐसे लचक जैसे लचकती हो डालिया, लचकती हो डालिया। फूल सी जवानी झूले प्रेम के हिंडोले, झनन झनन झन के पायल मन में रंग घोले, मन में रंग घोले। मन में रंग घोले, मन में रंग घोले।
आज है चमक अनोखी हर कली के रूप में चमक अनोखी हर कली के रूप में ठंडी ठंडी चांदनी का सुख है दिन के धूप में सुख है दिन के धूप में सांसों की सितार मीठे मीठे सुर में बोले झनन झनन झन के पायल मन में रंग घोले रे बाज मृदंग संग संग अंग अंग डोले रे झनन झनन झन के पायल स्वामी स्वामी कोई मायावी शक्ति मेरे बच्चे को झूले के साथ लिए जा रहा है बेटा बेटा लहूज क्या हो गया मेरे महाराज ये क्या हुआ हम तेरे काल हैं अब हमारे हाथ से तुझे कोई नहीं बचा ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं ओ! ये आपने क्या किया वर्षों के बाद इस महल में बेटे की खुशी के दीपक जगमगाए थे और आपने फिर से अंधेरा कर दिया प्रभु ये आपका कैसा खेल है कैसा न्याय है हम अपने बेटे के बिना कैसे जिएंगे कैसे जिएंगे प्रभु कैसे जिएंगे ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साक्षात्के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा नारायण नारायण पधारिये देवर्षि प्रणाम महर्षि वशिष्ठ प्रणाम माता अरुंधति ये क्या नारद जी तानपुरा खरताल के साथ आपकी गोद में बच्चा हाँ हाँ बच्चा बच्चे के साथ बच्चे की माँ कहाँ है मेरा मतलब है नारदी नारायण इसमें संकोच कैसा जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ आज तक ब्रह्मचारी बने भटकते फिरते थे अब ग्रस्त बनकर नून तेल लकड़ी भूल गया छकड़ी कुछ मेरी भी तो सुनिए ये बच्चा बड़ा सुंदर है बड़ा प्यारा है हाँ 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 अच्छा बचाया इसे लेने के देने पड़ गए महर्षि महादेवी ये लड़का मेरा नहीं कंचनपुरी के महाराज आयु का है महाराज आयु का सच कह रहे हैं आप हाँ हाँ सच कह रहा हूँ कान पकड़ के सच कह रहा हूँ दानव राज हुंड ने इसे मारना चाहा लेकिन भगवान ने इसकी रक्षा की अब आप दोनों इसके माता पिता बनकर इसका पालन कीजिए और समस्त कलाओं में इसे निपुण कीजिए लाल मामा कौन है तेरे भाई यार कितना प्यारा माँ आज राखी का दिन है मैं से राखी बांध दो बेटा नारायण नारायण राखी आज के दिन कौन ऐसा भागा होगा जो राखी न बंधवाना चाहे बांध दो मेरी नन्नी मुन्नी बहन बांध दो नारायण नारायण ये मोर पर सवार होकर इतने वेग से कहां जा रहे हो क्या बात है मुझ में और भैया गणेश में इस बात की बाजी लगी है बाजी लगी क्या बाजी लगी जो धरती का चटर लगाकर माता और पिता के पास
से ही भगवान भोलेनाथ संसार में प्रथम पूज का स्थान देंगे, यही ना? पर गणपति कहाँ रह गए? आ रहे हो क्या धीरे धीरे? ओ नारायण नारायण नारायण। धन हो बुद्धि निधान गणेश, तुमने माता पिता की प्रदक्षिणा करके कार्तिक से पहले ही सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली, इसीलिए आज से हम गणेश को संसार में पूजा का प्रथम स्थान देंगे। पिताजी, ये अन्याय है। नहीं बेटा, यही न्याय है। कार्तिक, माता पिता का स्थान पृथ्वी से कहीं अधिक। पिताजी, भैया गणेश जीते, मैं हारा। नारायण नारायण। महाराज जी, आपके हाथ में ये भाई बहन के प्रेम की प्रतीक राखी है। राखी? हाँ, मैं आज पृथ्वी पर गया था, वहाँ एक कन्या मेरी बहन बन गई और उसने मुझे ये राखी बांध दी। हम भी बांधवाएंगे। परंतु बहन, पिताजी हमें बहन ला दो। माँ हमें बहन ला दो। कितना अच्छा होता अगर इनके भी एक बहन हो। मातेश्वरी चिंता न करें, मेरी छाया में हर इच्छा पूरी होती है, आपकी भी इच्छा पूरी होगी। अशोक वृक्ष, कल्प वृक्ष, जाओ देवी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। नारायण नारायण। मेरी बेटी, बहुत सुंदर है। प्रभु, अशोक वृक्ष से मिलने वाली कन्या आज से अशोक सुंदरी कहलाएगी। बेटा कल्याण हो पुत्र। अरे अरे हिंडोल, माता जी पिताजी हिंडोल का भी कल्याण कर दीजिए। जीते रहो बेटा हिंडोल। भैया नहुष की। बेटा नहुष, आज तुम्हारे धनुर्विद्या की परीक्षा का दिन है, चलो आश्रम वासियों को अपनी बाण विद्या का चमत्कार दिखाओ। जो आज्ञा पिताजी। भैया गणेश, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्यों? आज रक्षाबंधन है, लाओ मैं तुम्हारे हाथ में राखी बांध दूँ। हाँ हाँ, लो बांध लो। बोलो बहन, मैं तुम्हें क्या उपहार दूँ? केवल अपना आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। Oh!
आश्रम कन्या है। जाओ होश, इन्हें मारकर आश्रम कन्याओं की रक्षा करो। जो आज्ञा बुद्धि। भैया मुझे भी आशीर्वाद दो गुरुदेव। जवान ने ठीक समय पर पहुंचकर सब लड़कियां छुड़ा ली और तुम अपना काला मुंह लेकर हमारे सामने चले आए। चुल्लू भर पानी में डूब गया। सेनापति जी चुल्लू भर पानी डूबने के लिए। महाराज बरस रही थी रूप की वर्षा, बाज रहे थे पायल, जिसे देखकर बड़े बड़ों का मन हो गया घायल। कविता ही करते रहोगे या कुछ काम की भी बात करोगे? महाराज पहले एकदम बाद में काम। ये लो, अब बताओ कहाँ है वो रूप। महाराज डिमक डिमक जहाँ डमरू बाजे, भूत और भैताल दोनों मिलके नाचे। हाँ पंडित
कोमर, हम तुम्हारे रूप की ज्योति में पतंगा बनकर जलने आए हैं। सच कहता हूं, ऐसा अनोखा सौंदर्य हमने पहली बार देखा है। कौन हो तुम? हमें नहीं पहचाना? हम हैं तीनों लोक के स्वामी दानव की हुन। ठहर जा, वहीं रुक जा। प्रेम का तूफान बढ़ना जानता है, रुकना नहीं। ठहर जा पापी, तुझे रुकना ही होगा। भैया, भैया। गणेश, यदि अपना भला चाहते हो तो अपनी बहन का हाथ हमारे हाथ में दे दो। आओ इधर आओ। भैया लाओ हाथ। ये लो। नहीं नहीं भैया, नहीं। अभी बताता हूं तुझे। ये बात है। अभी बताता हूं तुझे। मूषक राज, दिखाओ अपना चमत्कार। नारायण नारायण, लगता है ये सब गणपति भगवान का खेल है। देख लूंगा उस हाथी को, जो कितना भी प्रयत्न करे हम अशोक सुंदरी को अपनी महारानी बनाकर ही रहेंगे। ना 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 ना, अशोक सुंदरी तो शिव पुत्री है। शिव पुत्री हुई तो हुआ करे, हम उसे पाकर ही रहेंगे। वाओ महाराज वाओ, नारायण नारायण। भैया आश्रम चलो, बहुत देर हो गई है, कोई शिकार नजर नहीं आया। तेरे की। अबे हिंडोल, तू तो सचमुच ही डर गया। भैया आप गड़बड़ कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, और मुझे डरा दिया, वैसे मैं डरता थोड़ा ही हूँ। अच्छा चलो। छोड़ मुझे, छोड़ पापी, तुम्हें चाहिए नहीं, बचाओ, बचाओ। शेर के बाद कनिया की आवाज, फिर भैया। नहीं हिंडोल, छोड़। वो देखो हा? कोई राक्षस किसी कन्या का हरण करके ले जा रहा है। छोड़ दे मुझे। बचाओ।
अशोक सुंदरी। नहुष, आज तुम न बचाते तो न जाने मेरा क्या हाल होता। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जिससे जन्म जन्म का साथ मुझे इस जन्म में भी मिल गया। सुंदरी। नहुष, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे शीघ्र कैलाश पहुंचना है। फिर कब मिलोगी सुंदरी? मैं आने वाली पूर्णिमा को यहीं। सच, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। हिंडोल। भैया, ये लो। अब आप इस बाण द्वारा पल भर में ही कैलाश पहुंच जाए। जी, जिस राक्षस को कल गणेश भैया ने मार भगाया था ना, वही नीच मुझे सोते हुए उठा कर ले गया। कौन है वो नीच राक्षस? दानवपति हुंड। दानवपति हुंड? फिर किसने उस पापी के हाथों तुम्हारी रक्षा की? पृथ्वी के एक सुंदर वीर ऋषि कुमार नहुष ने, और उन्होंने ही अपनी बाण शक्ति से मुझे यहाँ भेजा है। धन्य हो वीर नहुष, सचमुच पृथ्वी पर जन्म लेने वाले एक से एक महान है। स्वामी, कहां शिवलोक और कहां पृथ्वीलोक, दोनों के आपस में क्या तुलना। बेटी, कभी किसी पृथ्वीवासी के मोह में न पड़ना, सदा उससे दूर रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। अशोक सुंदरी, माँ की बात का बुरा मान गई? भैया, क्या पृथ्वीवासी? पृथ्वीवासी महान है, उनके कारण ही हम देवताओं को इतना सम्मान मिला है। फिर आयु पुत्र नहुष तो सर्वगुण संपन्न है। बहन, किसी को वचन दिया हो तो उसका पालन करना। तुम्हारा भाई गणेश सदा तुम्हारे साथ। मेरे अच्छे भैया, भले ही पृथ्वीवासी से दूर रहना, पर उसका बाण अपने हृदय से लगा के रखना। हाय, जब ये बाण इतना तेज है तो उनके नैनों का बाण कितना तेज होगा। घबरा मत, तुझे भी नैनों का बाण मारने वाला ऐसा मिलेगा कि तू सब कुछ भूल जाएगी। जैसे आप सब कुछ भूल गई है, देखो तो आपकी आंखों में वो छलिया की सूरत जाती है या नहीं। नहुष, नारायण नारायण, दानवराज, आपकी ये दुर्दशा, इसे शनि दशा कहूं या राहु दशा? दशा तो मैं अभी तुम्हारी बिगाड़ता हूं। चूहा, चूहा, गणेश जी का चूहा। हाँ, फिर बेताले। महाराजा ब्रह्मचारी, महारानी जी, महारानी जी। ये क्या कर रहे हैं स्वामी? देवर्षि तो हमारे पूज्य। पूज्य नहीं,
ये इधर उधर की आग लगाने वाले हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, शिव कन्या अशोक सुंदरी के चक्कर में पड़कर प्रेम की आग लगाने के लिए तो आप गए थे आप। शिव कन्या? हाँ देवी, मैं यही तो समझा रहा था, तुम्हारे जैसी सुशील पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह, बस कहते मुझ पर गिद्ध की तरह झपट पड़े। हाँ स्वामी, क्या आप मेरे जीते जी दूसरा विवाह करना चाहते हैं? नाथ, ये पाप है, मैं ऐसा अनर्थ कभी नहीं करने दूंगी। हमें कोई नहीं रोक सकता। कहां तुम विपुला और कहां वो अशोक सुंदरी, और कहां वो सुंदर नौजवान अशोक सुंदरी का प्रेमी। जानते हो वो नौजवान कौन है? आयु पुत्र नहुष। आयु पुत्र नहुष, उसे तो हमने वर्षों पहले समाप्त कर डाला है। हाँ 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 हाँ, जिस पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा हो उसे कौन समाप्त कर सकता है, कौन मार सकता है। नहुष जीवित है। सखी, सुना है धरती सोरख से भी बढ़कर है? हाँ हाँ, वहाँ का हर मनुष्य देवताओं से भी बढ़कर है। ओ, ये तो तेरे देवता के दर्शन पर ही पता चलेगा। देखना कहाँ वो रहे, देख देखो देखो। देख देख, तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लगे जान जैसे। मैं तो चली। अरे हाँ, संभल के रहना, नहीं तो तुम्हें भी कोई जान ना मिल जाए। ऐसे ये क्या कर रहे हो? हृदय से हृदय मिला रहा हूँ तुम्हारे भरोसे के लिए। ये कौन सी रीत है? ये प्रीत की रीत है। प्रीत की? प्रीत क्या होती है? जो तुम्हें यहाँ ले आई। बड़ी मुश्किल से आई हूँ, पिताजी तो भोलेनाथ हैं, पर जानते हो माँ क्या कहती है? हाँ, क्या कहती है वो? कहती है खबरदार किसी पृथ्वीवासी से मिली तो। लूट गए? नहीं, सोच रहा हूँ, मैं धरतीवासी, तुम कैलाश की रहने वाली, तुम्हारा हमारा मिलना असंभव है देवी। नारायण नारायण, सच्चे प्रेमी असंभव को भी संभव बना देते हैं। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो कल्याण हो। हम कुछ समझे नहीं। तुम दोनों विवाह कर लो, शुरू शुरू में कैलाश में थोड़ी सी हलचल तो मचेगी और फिर शांति ही शांति। किंतु तेवर्षि। किंतु परंतु का समय नहीं है। समय तो है, लालो इसका। नारायण नारायण। ये लो, ये वरमाला लो और एक दूसरे को पहना दो। हाँ हाँ हाँ, सोच के रहे हो संसार में मुझ जैसा साक्षी और कौन मिलेगा तुम्हें। लो पहनाओ, लो तुम भी लो, पहले तुम पहनाओ। हाँ हाँ, आप तुम पहनाओ। अब दोनों जाकर मुनि विशिष्ट और देवी अरुंधति का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लो। जो आज्ञा मुनि। नारायण नारायण। आओ सुंदरी।
जीते रहो। सदा सुहागन रहो बेटी। स्वामी, शिव कन्या साक्षात देवी पार्वती जैसी लगती है। बेटी, तुमने नहुष को अपनाकर जिस महान प्रेम का परिचय दिया है, भविष्य में भी प्रेम की लाज निभाना, अपने कर्तव्य का पालन करना। बेटा, हमारी बहू कैलाश के समस्त सुख और ऐश्वर्य को छोड़कर हमारी कुटिया में आई है, इसे कभी अनर्थ हो गया महर्षि, अनर्थ हो गया। क्या बात है मुनिजन? पापी हुंड ने महाराज आयु की कांचनपुरी पर आक्रमण कर दिया है। क्या, महाराज आयु पर? बेटा नहुष, अब तुम्हें अपना पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। शीघ्र जाकर अपने माता पिता की रक्षा करो। माता पिता? परंतु मेरे तो आप महाराज आयु और उनकी महारानी ही तुम्हारी असली माता पिता है। बेटा, हमने तो तुम्हें ममता की छाव में पाल पोस कर बड़ा किया है। अच्छा बेटा, समय कम है, शीघ्र ही अपने जाने की तैयारी करो। जो आ गया। स्वामी सुंदरी। स्वामी, आप मुझे छोड़कर अकेले जाना चाहते हैं? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी स्वामी? मैं भी आपके साथ चलूंगी और माता पिता के दर्शन करूंगी। परंतु मेरे साथ युद्ध की जलती हुई आग में तुम कैसे चलोगी? संसार मुझे क्या कहेगा? मैंने अपने स्वार्थ के लिए सुखों में पली हुई शिव कन्या को दुख के कांटों में डाल दिया। आपके प्रेम की छाया में दुख के कांटे भी सुख के फूल बन जाएंगे। आपके चरणों की धूल मेरे माथे का चंदन बन जाएगी। हट ना करो देवी। मैं हट नहीं, प्रार्थना कर रही हूँ। पूर्व जन्म की तपस्या के फल से आप मुझे मिले हैं नाथ, मुझे निराश न करो, नहीं तो आपके जाते ही आकाश से टूटे हुए तारे की तरह मेरे भी प्राण चले जाएंगे। ऐसा न कहो बहू, तुम दोनों अनंत काल तक जियो। मेरी बहू सती है और सती के लिए उसका पति ही सब कुछ है। जाओ बहू, मंगल कवच बनकर हमारे नहुष का मंगल करो और देखो, ये है तुम्हारे बचपन का चिन्ह और ये हमारा पत्र महाराज के नाम, जिसे वो तुम्हें पहचान लेंगे। जो आ गया। महाराज, महारानी, हुंड की शक्ति बहुत अधिक है, हमारी मुट्ठी पर सेना उसकी विशाल सेना के सामने ज्यादा देर ठहर नहीं सकेगी। कृपा करके आप गुप्त मार्ग से निकलकर कांचनपुरी से दूर चले जाइए महाराज। सेनापति, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जैसे देश भक्तों को और अपनी प्यारी प्रजा को संकट में छोड़कर हम कायरों की तरह अपने प्राण बचाकर चले जाए? महाराज, आपके प्राण हम सबसे अधिक मूल्यवान है। जाने के लिए विवश कर दिया। मातृभूमि, मुझे क्षमा करना। भगवान दत्तात्रेय, मुझे क्षमा करना। और रानी, तुम
सब लोग यहाँ से बहुत दूर, जहाँ तेरे हाथ उन तक नहीं पहुँच सकते। अत्याचारी हुन, जिनके सर पर हजार हाथ वालों का हाथ है, उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आसमान ले जमीन है, आसमान कहा आपका ध्यान, वो रहे उनका पता जानने वाले दत्तात्रेय भगवान। मूर्ख मूर्ख नहीं बुद्धिमान, क्या समझे ज्ञानीदान, जल्दी से पूछ लीजिए वरना हो जाएगा कल्याण। अभी करता हूं कल्याण। बता कहां है नहुष, कहां है उसका माता पिता? नहीं बताता? चमत्कार, नमस्कार महाराज। आप एक मुंह वाले, ये तीन मुंह वाले। तीन मुंह वाला, अभी देखता। फिर चमत्कार, मूर्ति ऊपर महाराज नीचे। मूर्ति कहां गई? महाराज आपको चक्कर देखे हम सबको घन चक्कर बना के चले गए महाराज। दानव देखते क्या हो, सारे महल को जलाकर विध्वंस कर डालो, कोई भी चीज बाकी न रहे। देवी, ये क्या हो गया? मुझे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरी आंखें चली गई, मेरी आंखें। हाय रे दुर्भाग्य, ये क्या हुआ? भगवान, आंखें ही लेनी थी तो मेरे ले लेते, इनकी नैनों की ज्योति क्यों छीन ली? एक तो माता पिता नहीं मिले और ऊपर से ये वज्रपात। निष्ठुर विधाता, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया? ये सब सब मेरा भाग्य। भाग्य नहीं, आपके बिना मैं अभागी, इस संसार को देखकर क्या करूंगी, मैं भी अपनी आंखें फोड़ डालती हूँ। देवी ऐसा अनर्थ ना।
अब तो तुम ही मेरी आंखों की ज्योति हो। यदि यदि तुमने भी अपनी आंखें खो डाली तो फिर हम अपने माता पिता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे अपने माता पिता को? माता पिता, चलिए स्वामी, हम कहीं से भी उन्हें ढूंढ निकालेंगे। चलिए चलिए चलो चलिए चलिए चलिए। महाराज महाराज, क्या है? हमने चारों तरफ से सुंदरी अनुष को ढूंढ मारा मगर हमको उनका कहीं भी पता नहीं लगा। क्या कहा? तुम्हें उनका पता लगा नहीं होगा, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर लिए जाएंगे। पृथ्वी आकाश पाताल कहीं से भी उन्हें ढूंढ के हमारे सामने उपस्थित करो। जाओ। हम भी देखते हैं अशोक सुंदरी हमसे बच के कहां जाएगी। स्वामी 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 पानी स्वामी पानी पानी देवी, प्यास के मारे मेरा कंठ सूखता जा रहा है। स्वामी स्वामी मुझे पानी पिला दो। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ स्वामी, अभी लेकर आती हूँ। भाई तुम्हारे पास थोड़ा सा जल हो तो मुझे दे दो, मेरे पति प्यास से बहुत व्याकुल हो रहे हैं। दया करो भाई, दया करो भाई भाई। स्वामी पानी, स्वामी स्वामी। देवी पानी लाई? देवी नहीं, दूर दूर तक कहीं पानी का पता नहीं। लगता है माता पिता से भेंट किए बिना ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। स्वामी ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। पानी पानी पानी। हे माँ गंगी, आप लाखों करोड़ों प्राणियों की प्यास बुझा दी है, मेरे स्वामी की भी प्यास बुझा दो। माँ आओ, माँ गंगे आओ। पानी माँ गंगे, गंगे पानी आओ, माँ गंगे आओ। माँ गंगे, स्वामी स्वामी, गंगा माता स्वयं आपकी प्यास बुझाने आई है। स्वामी स्वामी, हर हर गंगे, हर हर गंगे। स्वामी, माँ स्वामी माँ माँ, क्षमा कर दो माँ, ये सब संजोग था, मैं बताने के लिए आने वाली थी। बागेश्वरी सब कुछ बता चुकी है। प्रणाम माता जी, आप जगत पूज्य हैं, मैं आंखों से अंधा आपके दर्शन भी नहीं कर सकता। माँ मुझे अपने चरणों की धूल माथे पर लगाने दीजिए। माँ स्वामी 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 स्वामी, आइए बैठिए बैठिए। बेटी मैं तुझे लेने आई हूँ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा,
इस अभागे का साथ छोड़कर? मां, ये अभागे नहीं, मेरे सुहाग के देवता हैं। देवता देवता मां, जो अनहोनी बात आप मुझसे करने के लिए कह रही हैं, मैं पूछती हूँ, आप पिताजी का साथ छोड़ सकती हैं? मां, यही तो नारी के हृदय का सत्य है, उसका स्वाभिमान है जिसके लिए तुम्हारा हाथ उठ गया। मां, यही मेरे सब कुछ है, इनके चरणों में ही स्वर्ग है, सारे संसार के पावन तीर्थ है। मैं प्राण दे दूंगी परंतु इनका साथ नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तो तुझे पृथ्वी के सारे दुख सहने पड़ेंगे, तेरी देवत्व शक्ति नष्ट हो जाए। मैं भी देखती हूँ कि तू कहां तक उसका साथ देती है। पिताजी, ये सब क्या था? पूछो अपनी माता से, जो तुम्हारी बहन के जीवन में शाप के अंगारे बरसा कर आ रही है। क्या ये सब सच है? स्वामी, आप भी उसी का पक्ष ले रहे हैं कि उसने शिवलोक की मर्यादा भंग की, कि उसने मेरी बात ठुकरा कर पृथ्वीवासी नहुष का अपना पति बनाया। उमा, मुझे दुख, तुम नारी होकर भी दूसरी नारी की आत्मा को न पहचान सकी, तुम्हारा कोमल हृदय वज्र बन गया, परंतु कैलाश का पाषाण हृदय टुकड़े टुकड़े होकर तुमसे यह कह रहा है, मां बनना आसान है, मां का धर्म निभाना बहुत कठिन है। स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए। आइए, संभल के। हाँ, हाँ, आइए, आस्ते आस्ते। अशोक सुंदरी, गणेश भैया। प्रणाम गणेश जी। स्वामी, आप इधर बैठिए। भैया, रोते नहीं बहन, माँ के श्राप को वरदान समझकर अपने वचन का पालन करो। भैया, जिस राह पर अनसुईया और सावित्री चली हैं, उसी पथ पर तुम भी चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। भैया, चलिए स्वामी। सारे सुख छोड़े पति को ना छोड़े रे, सारे सुख छोड़े रे पति को ना छोड़े रे, ऐसी है भारत की नारी। पिया जहां जाए, पिया जहां जाए, आंखें वहीं पे बिछाए दे, ऐसी है भारत की नारी। सारे सुख छोड़े दे पति को न छोड़े दे, ऐसी है भारत की नारी। को निज प्राण समझे, अपना भगवान समझे, हर दम उसी की करे पूजा। पति सेवा कर्म माने, इसको ही धर्म माने,
माने धड़न नहीं दूजा, पिया को खिलाए पिया को खिलाए, भूखी आप रह जाए रे, ऐसी है भारत की नारी। सारे सुख छोड़े दे पति को न छोड़े दे, ऐसी है भारत की नारी, ऐसी है भारत की नारी, ऐसी है भारत की नारी, ऐसी है भारत। माँ जी तुम कितने अच्छे हो जो हमसे बिना कुछ लिए पार उतार रहे हो। तुम चाहो तो तुम भी मुझे पार उतार सकती हो, नहीं समझी? ये रूप नदी की धारा सी जवानी। माँ जी स्वामी ये ले दीजिए। ऐसी बातें करती हुई तुझे लाज नहीं आती? चुप रह अंधे, अच्छा तेरे साथ नहीं मेरे साथ रहे। प्लीज पापी छोड़ दे, ये इतना साहस छोड़ दे, प्लीज छोड़ दे पापी, छोड़ दे प्लीज, छोड़ दे, छोड़ दे मेरे पति को, छोड़ दे, छोड़ दे। बचा सकता छोड़। इससे पहले हम तेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे। छोड़, छोड़, जारी। स्वामी वो देखिए स्वामी, न जाने कौन है बेचारा, चलिए देखें। चलो चलिए, जीवित तो है, जल्दी से उठा के ले चलिए, भगवान करिए बचे। चलिए उठाइए, जल्दी उठाइए। होश में नहीं आया। घबराओ नहीं, सवेरे तक अवश्य होश में आ जाएगा। कितना सुंदर है, न जाने किसके कुल का दिन है, कौन होंगे इसके माता पिता। स्वामी हमारा बेटा जहां भी होगा वो भी इतना ही बड़ा हो गया होगा। कहां है हमारा बेटा, यदि वो जीवित होता तो क्या कभी हमारे पास नहीं आता, क्यों झूठा विश्वास लेकर। झूठा विश्वास नहीं स्वामी, ये मां के हृदय का सच्चा विश्वास है। हे भगवान, न जाने कब मिलेगा मेरा बेटा, कब मिलेगा मेरा बेटा। शांत हो, शांत हो देवी, चलो विश्राम करो। उठो
इसे विश्राम करने दो। कितनी मीठी नींद में सो रहा है। नारद ने तुम्हारे पुत्र नहुष को धरोहर के रूप में मुझे सौंपा था। समय जानकर मैंने कुमार को उसके जीवन का भेद बता दिया। विश्वास कीजिए, यह आप ही का पुत्र है। बहुत ही वशिष्ठ भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला कि हमारा बेटा हमारे ही पास रहा और हम अभागे उसे पहचान भी नहीं थे। भगवान, किनारे पर आकर तुम मचान में छोड़ दिया प्रभु। अब हम हमारे लाल को कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? धीरे से धीरे से खो रानी, मेरा बेटा अभी टूट गया होगा। चलो चलो जल्दी से उसे ढूंढे। चलो रानी। बहुत दिनों से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, आज मिल गए। बताओ कहाँ वो नहुष? हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? मालूम तो तब होगा जब दानों लोक के बंदी गिरे में चक्की पिसोगे। ले चलो। नहीं, 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 नहीं। महाराजे की जय हो। महाराजा ने आपके लिए कपड़े गहने भेजे हैं। आइए हम आपका सिंगार कर लें। मुझे नहीं करना सिंगार, ले जाओ ये सब, चली जाओ। नहीं जाती? हमारे उपहार को ठुकरा कर हमारा अपमान किया तो जैसे पापी का जन्म ही अपमान के लिए हुआ है। हमारा जन्म तो तुम्हारे अधरों का पान करने के लिए हुआ है। तो तुझे एक दिन मृत्यु का पान करना होगा।
मृत्यु तो मृत्यु लोग वालों के लिए है, हम तो दानवपति हैं। आओ हमारी बाहों में समा जाओ। आओ हमारी बाहों में समा जाओ। इससे पहले ये कतार तेरी छाती में समा जाएगी। हट छोड़ दो, हमारी बात मान लो, हम अपने सारे दानव साम्राज्य का ऐश्वर्य तुम्हारे चरणों पर निछावर करेंगे। तेरे ऐश्वर्य को मैं ठोकर मारती हूँ। चुप सुंदरी, तुम हमें नहीं जानती। हमने अपने बल से देवताओं को हराकर बंदीगृह में डाल दिया है। हम तीनों लोकों के स्वामी हैं। तीनों लोकों के स्वामी तो केवल भगवान है। भगवान? कैसा भगवान? हम स्वयं भगवान हैं। तू भगवान नहीं, भगवान की दुनिया का एक छोटा सा कीड़ा है जिसे सर्वशक्तिमान जब चाहेंगे कुचल कर रख देंगे। चुप रहो, नहीं तो ये धमकी किसी और को देना। तेरे जैसे हजारों लाखों मिट्टी के पुतले इस दुनिया में आए और मिट्टी में मिल गए। पापी, भगवान के कोप से डर, नहीं तो तू भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इससे पहले हम तेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे। पापी, दुराचारी, छोड़! अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। महाराज, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए इसे महाराज। चुप रहो, तुम्हें हमारे बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं। अधिकार है, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको हर बुरे मार्ग से बचाना मेरा कर्तव्य है। स्वामी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, सुंदरी को वापस कैलाश पहुंचा दीजिए। यह असंभव है, यदि अपना भला चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा अनर्थ मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं अपने प्राण दे दूंगी किंतु अशोक सुंदरी की लाश पर आज नहीं आने दूंगी। हमारा सामना करती हो, दूर हो यहाँ से। महारानी, सुंदरी, माता तेरी रक्षा करे। अभिमानी, याद रख, जिस देश में स्त्रियों का मान नहीं अपमान होता है उस देश का कभी कल्याण नहीं होता। स्वामी, ये तूने क्या किया? हमारे विरुद्ध चलने वाले का यही परिणाम होता है। विनाशकारी विपरीत बुद्धि, आखिर तुमने भी वही किया जो आज तक दूसरे दानव करते आए। तुमने अपनी पत्नी के रक्त से हाथ रंगे, एक सती का हरण किया, उस पर अत्याचार किया। दानवपति, तुमने अपने हाथों ही अपने जीवन में विनाश के कांटे बोलिए हैं। हमारा विनाश? गुरुदेव, हमारा विनाश कभी नहीं हो सकता। माता चंडी का हमें वरदान है, यही वरदान तुम्हारे लिए शाप भी बन सकता है। श्राप? सैनिकों, ले जाओ इस हथेली को और डाल दो बंदीगृह में। हम भी देखते हैं ये कब तक अपनी हट नहीं छोड़ती। महारानी, महारानी,
अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी। आहा, कितनी सुंदर है भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति। दर्शन करके जन्म सफल हो गया। जय भगवान। सुनो भाई, मुझे भी भगवान दत्तात्रेय के दर्शन करा दो। आंखों से अंधा और चला दर्शन करने। हंसो नहीं भाई, हंसो नहीं, मुझे अभागे पर दया करो, दया करो, मुझे भगवान दत्तात्रेय के चरणों तक पहुंचा दो। जाओ भाई। अच्छा? इसी रास्ते पर सीधे चले जाओ। अच्छा? भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हो जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे भाग्य के विधाता, मेरे भाग्य के विधाता, दुख सुख देओ दाता, प्रभु अपनी दया का मुझे दान दे दे, दे दे ऐसा उजियारा जो मिटा दे अंधियारा, बस इतना सहारा भगवान दे दे मेरे भाग्य के विधाता। तुझसे ही जग में होते अंधेरे उजाले, तुझसे ही जग में होते अंधेरे उजाले, दुख की घड़ी में तू ही सभी को संभाले, दुख की घड़ी में तू ही सभी को संभाले, तेरे खेल है निराले, तेरे खेल है निराले, ओ संसार के रखवाले, ओ दयालु जरा मुझ पे भी ध्यान दे दे, बस इतना सहारा भगवान दे दे मेरे भाग्य के विधाता। लगती है ये जीवन की बाती, ऐसी सुलगती है ये जीवन की बाती, जल भी न पाती हाय बुझ भी न पाती, जल भी न पाती हाय बुझ भी न पाती, मैं हूँ दीप अध जलासा, मैं हूँ दीप अध जलासा, मुझे घेरे है निराशा, नई आशा की किरण दयावान दे दे, बस इतना सहारा भगवान दे दे मेरे भाग्य के विधाता, दुख सुख के ओ दाता, प्रभु अपनी दया का मुझे दान दे दे, दे दे ऐसा उजियारा जो मिटा दे अंधियारा, बस इतना सहारा भगवान दे दे मेरे भाग्य के विधाता। हे परमेश्वर हे दुखहारी अपना मुझे बिसारो, हर लो मेरी विपदा सारी, दुख से मुझे उबारो, अंधियारे के सागर से प्रभु मुझको पार उतारो, दे दो हाथों को उजियारी मेरी ओर निहारो, प्रभु मेरी ओर निहारो, प्रभु मेरी ओर निहारो।
मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, प्रभु प्रभु जय भगवान दत्तात्रेय, आपने मेरी अंधेरी आंखों में फिर से प्रकाश दे दिया। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। मेरे माता पिता कहाँ हैं बताइए प्रभु, और कहाँ है अशोक सुंदरी? नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि, बताइए प्रभु। अशोक सुंदरी दानवपति हुंड के बंदी गृह में। बंदी गृह में? तुम्हारे माता पिता भी वहीं हैं। जाओ नहुष, पाप का नाश करके धर्म की जा लहरा दो। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हें बल दे, शक्ति दे। जो आ गया। नारायण 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 नारायण। गणेश, अपनी जिस बहन अशोक सुंदरी से तुमने राखी बंधवाई थी, आज उसी बहन के लिए इस राखी की लाज निभाओ। दानवपुरी में हुंड और नहुष में युद्ध चल रहा है। जाओ संकट हरण, उनका संकट दूर करो। जाओ। नारायण नारायण। पाप ताप संताप मिटाने अंतर्यामी आओ, असुरों का संहार करो प्रभु, धर्म की ज्योत जगाओ। भक्तों के जीवन पे संकट है आया, आओ प्रभु अब तो आओ। दाता दयावान है दत्त भगवान, बंधन से हमको छुड़ाओ, बंधन से हमको छुड़ाओ। तन की हर सांस तुमको पुकारे, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे। सबकी नैया लगाते किनारे, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे। सारी दुनिया तुम्हारे सहारे, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे। लो पानी पीना चाहते हो ना? लो तुम भी पीना चाहते हो? लो कहा है वो? माता जी, पिताजी, चल लीजिए। रुक रुक जो बहू। ला बेटी, पिला दो। जल पिलाना चाहती हो? अशोक सुंदरी, आज हम तुम्हें आखिरी चेतावनी देने आए, या तो हमें पति के रूप में स्वीकार कर लो, नहीं तो हम तुम्हारे सास ससुर को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल देंगे। नहीं। तो फिर हाँ कहो। हमारी चिंता न करो बेटी, सती के मांग में सिंदूर एक ही बार चढ़ता है, बार बार नहीं। बहू, हम भले ही जलकर मर जाए, परंतु तुम अपना धर्म और मर्यादा न छोड़ना। हाँ पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगी, मैं अपने धर्म और मर्यादा को हमारे चरणों में चढ़ा दूंगी। शक्ति और भय के सामने बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है। गोगा जी महाराज, ले जाओ इन दोनों को। सिपाहियों, नहीं 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 नहीं,
नहीं 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 छोड़ो 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 पिताजी पिताजी छोड़ दे मुझे छोड़ दे मुझे छोड़ दे छोड़ दे है दोइने नहीं छोड़ दे मुझे छोड़ दे हाँ मैं आ गया हूँ अब कोई चिंता नहीं। अच्छा हुआ तू स्वयं काल के मुंह में चला। काल के मुंह में मैं नहीं तुझे पहचाने आया हूँ। सावधान कुमार रोहस की जय। बारी जाऊं इतनी सुंदर होती सुंदर हो इतनी अच्छी हो क्या मैं भी अच्छी लगती हूँ आप लोग को। अरे ये क्या हो गया माता जी आप फिक्र न करें अकेला ना हो इन सबको भारी है।
भगवान दत्तात्रेय। नहुष, ये कालचक्र तेरा प्राण लेकर ही रहेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को, तुम्हारी आंखों से बहती गंगा जमुना की धारा उन्हें अवश्य खींच लाएगी। पाप और अधर्म का जहर उगलता हुआ इंसान तुम्हें चुनौती दे रहा है। आज मेरी है परीक्षा, लाज रख भगवान,
ये लो त्रिशूल और उस अत्याचारी का नाश करो। जो आज्ञा प्रभु। जय भगवान दत्तात्रेय। हमारे सबकी नैया लगाते किनारे।